अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरा पिछला व्लॉग अगर आपने नहीं देखा है तो देख लें, उसमें हमने बीच वगैरह घुमा है। तो यहाँ पर सेकेंड डे बीच से हम आ गए थे, फिर पूरा जो है रेती रेती हो गया था, फिर नहाए और बीच में पानी में खेलने की वजह से ना इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी। फिर हमने डिनर किया और घर चले गए, सो गए। फिर ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह मेरे भाइयों ने जाके फ़िश मार्केट से लाया था। गोवा है लेकिन यहाँ पर समंदर है, लेकिन दिन भर उतनी अच्छी फिशेस नहीं मिलती जितनी सुबह सुबह मिलती है। तो मॉर्निंग में ही मेरे भाई और गए थे लाने के लिए। और यहाँ पर देखिए इतने नमूने के हैं, लेकिन मैं इसमें से कोई भी इंटरेस्टेड से नहीं खाती। बस ये क्या थे, झींगे थे, कुछ लेपो थे शायद, और तारली थी, इस तरीके के थे। और बड़ी फ़िश भी थी जिसको क्लीन करके रखा गया था, सामने जो था मैंने उसको यहाँ पर शूट किया है, बांगड़े बोलते हैं वो थे। ये सारी चीज़ें थी जो मॉर्निंग मेरे भाई जाके लाए थे, और ये इस तरीके से थे, आप इसको देख लिया। और यहाँ पर मेरी सिस्टर ना इसको कैसे, मैं पूछ रही थी कि इसको कैसे क्लीन करते हैं। हाँ, मेरे यहाँ पर भी लाते हैं लेकिन कभी भी मैंने इसको क्लीन नहीं किया। और बस यहाँ पर मैं वही पूछ रही थी कि इसको कैसे क्लीन करते हैं, तो मेरी सिस्टर इसको बता रहे थे उसमें कुछ एक बारीक सा कुछ लाइन के माफिक कुछ रहता है तो उसको निकालना होता है। तो बस इस तरीके से वो निकाल के दिखा रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं ना है उसका वीडियो बना लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरी सिस्टर इसको क्लीन कर रही है। इस तरीके से ऊपर से इसका पूरा स्किन निकालना होता है, और इस तरीके से ना यहाँ पर इसका एक पॉइंट रहता है, उसको पकड़ के खींचने से वो आ जाता है, और इससे ना बहुत ज़्यादा क्लीन भी हो जाते हैं। ये एक ही इसमें गंदगी रहती है, फिर पीछे से थोड़ा साफ़ कर लो और हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से मेरी सिस्टर ने किया था, लेकिन इतनी देर लगती है ना इन प्रॉन्स को साफ़ करने में, क्योंकि इतने छोटे छोटे होते हैं और इसमें से इतना छोटा छोटा इस तरीके से निकालना, बहुत देर लगाने के बावजूद भी इतने से निकल जाते हैं, बहुत सारा इसमें से स्किन निकल जाता है। और इतने ज़्यादा कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा रहती है। और इससे भी बड़े झींगे थे, वो भी उसको भी क्लीन करके रखा गया है। और ये जो फिश है ये आई थिंक लेपो है, तो इसको इस तरीके से क्लीन किया जाता है, आगे पीछे से इसका स्किन जो है इससे निकाल जाता है। तो बस इसका भी क्लीनिंग हो गया है, तो इसी तरीके से इसको खाते हैं। बट ऑब्वियस सच में कह रही हूँ कि मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी खाने में पसंद नहीं है, मतलब अलग अलग वैरायटीज़ रहते हैं इसके, तो मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बस घर में सारे लोग खा लेते हैं, भाई लोग और सब लोग, बच्चे वगैरह, मेरे बच्चे भी खुद के खाते हैं, लेकिन बट मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि मैं उतना नहीं खाती। तो बस ये सारे लाए थे, मॉर्निंग में नाश्ता बनाया खाया, यही सी फूड का नाश्ता था। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं जा रही हूँ अभी मार्केट, बस एक्सप्लोरिंग करने के क्या क्या है यहाँ पर मडगांव मार्केट में। तो बस मैं यहाँ पर बस से जा रही हूँ ताकि मुझे पता चले थोड़ा गोवा का, जो ट्रैवलिंग लोकल बस से मैं जा रही थी, हालांकि कार थी बट मैं और मेरी सिस्टर ने कहा चलो हम ट्रैवलिंग करते हुए चलते हैं, मतलब मिनी बस जो होती है वहाँ की लोकल बस, उससे हम जा रहे थे। तो यहाँ पर ये चर्च था तो मुझे बहुत अच्छा ये लग रहा था, तो मैंने थोड़ा शूट कर लिया। और ये मार्केट है, यहाँ की मार्केट ना अलग थी, जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर अलग होती है, मतलब एक तरफ आप घुस जाओ ना मार्केट में तो हर तरह की शॉप्स आपको मिलेंगी, जैसे कि फ्रूट्स, सब्ज़ी या गरम मसाले, हर जो भी एक्सेसरीज होते हैं, कपड़े होते हैं, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और भी यहाँ पर मार्केट्स है, बस हम एक मार्केट घूमे और जो हमें अच्छा लगा, रिजनेबल लगा, लिए, और बाकी जो है हो गया ऐसे ही। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या क्या ली हूँ, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, अभी नहीं। अभी बस मैं सीरियल वाइज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, फिर ये हो जाता है ना कि आगे पीछे हो जाती है चीज़ें, तो बस एक एक करके मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर कलरफुल फ्रॉक्स कॉटन के बहुत अच्छे मिल रहे थे, तो उसको भी हमने देखा, एक्सप्लोर किया सारी चीज़ों को। ज़्यादातर हमारा माइंड ये था कि क्योंकि यहाँ पर जो थोड़ा सा कॉस्ट जो ज़्यादा रहता है चीज़ों का, तो हमें लग रहा था कि बस यही चीज़ें हमारे गांव में सस्ती मिल जाती हैं, तो ओके ओके। लेकिन ये भी होता है ना कि हम कहीं गए हैं तो वहाँ की कुछ निशानी या कुछ हम लाएं, तो इसीलिए हम गए थे थोड़ा सा देख भी लें और को एक दो चीज़ें हम ले भी लेंगे। तो बस यहाँ पर मार्केट तो हमें बहुत अच्छी लगी, एक ही तरफ जाओ और पूरा ऊपर से छत था, कोई धूप की टेंशन नहीं, ऊपर से पूरा छत लगा हुआ था,
तो फटाफट जो भी चीज़ें लेनी थी वो लेके चले गए। जब तक आ जाते हैं तब तक घर पर ये मेहमान आ गए थे, मतलब क्रैब्स आ गए थे, खेकड़े जो कहते हैं उसको, उसका भी सालन बनाने वाले थे दीदी, तो वो भी आ गए थे। तो बस यहाँ पर मैं वही थोड़ा सा शूट की हूँ, लेकिन इसकी क्लीनिंग के बारे में मैं कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि फटाफट से उन्होंने कर लिया, हम भी मार्केट से थक के आए थे तो मैं भी व्लॉग नहीं बना पाई। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा रही हूँ ये कितने डेंजरस लग रहे हैं, और मैं बिल्कुल भी इनको नहीं खाती हूँ, लेकिन बच्चे ना इसको बहुत शौक से खा रहे थे और बड़े भी हमारे घर में बहुत शौक से खा रहे थे, और इसमें बहुत सारी चीज़ों की शिफा भी होती है, तो बस इसको खाना चाहिए 1 ईयर में 2 ईयर में कभी भी। तो बस ये अभी क्लीन हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इस तरीके के भी थे जो मैंने क्लिक नहीं किया था, इस तरीके के कलरफुल भी थे, फुल ब्लैक भी थे। तो अभी हम मार्केट से रिटर्न आ चुके हैं, तो बस आगे का व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह केकड़े के सालन के साथ। इसी के साथ लेती हूँ मैं आप सबसे अलविदा, इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी, अल्लाह हाफिज़।